अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वी आर बैक विद डेली व्लॉग। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मौसम फुल बाहर से ना ठंडा है यार। आज सर्दी बहुत ज्यादा है मामूल के हिसाब से ना, मीन्स कि हमारे इलाके में ठंड बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो यार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल अपना शूटर सेल कर दिया था, तो उसके लिए यानी कि उस जगह पे अब न्यू मुर्गा भी लेके आया था। तो वो सरप्राइज था जो आज आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम अपने केज में एक न्यू सरप्राइज लेकर आए, न्यू मेहमान आया है और हमारा न्यू मुर्गा जो हम कल लेकर आए थे आप लोगों को भी वो भी दिखाना है। और अभी सुबह का टाइम है, पानी शानी ना बुरान ने भर दिया सारा यहाँ पे, पानी शानी सब कुछ। देखो पर्दे शर्दे फुल गिरे पड़े हैं और ना कि यार सर्दी बहुत ज्यादा है। बुरान को भी आप लोग देखते हो फुल पैक हुआ पड़ा है, मैं भी फुल पैक हूँ यार। ठंड है फुल बाहर से, देखो यहाँ पे अभी देखो रात का टाइम होता है ना, देखो लाइट बंद है, चेक करो इनको फुल कैसा माहौल दिया हुआ प्रोटोकॉल। यार सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे ना, तो ये देखो आप इधर बहुत ज्यादा ना, यानी कि हाँ हमने मिट्टी डाल दी थी। अभी देखते हैं क्या पता यार, हो सकते हैं अंडा शंडा दे दिया हो मुर्गियों ने। दोस्तों आप हाँ हमारी दूसरी मुर्गी ने भी एग देना शुरू कर दिया माशाल्लाह। हाँ और एक शाम को भी तकरीबन, यार इनका ना तकरीबन टाइम है कि 11 बजे और एक वो एक ने तकरीबन 3 बजे एग दिया था। तो अभी मेरे ख्याल से कोई अंडा शंडा नहीं आया हुआ अभी, मुझे लग रहा है। हाँ देखते हुए मुर्गी पता नहीं, देख लेते ना अभी बाहर आ गई। आ जाओ आ जाओ, ये देखें यार ये हमारा न्यू मुर्गा है जो हम लेकर आए थे। अब आप लोगों ने ना बताना है, शूटर तो चला गया ना, अब इसका नेम आप लोगों ने बताना है यार, इसका क्या नाम रखा जाए, क्योंकि अब इनका नया नाम भी तो रखना है इस मुर्गे का। बाकी है कोई अंडा शंडा? नहीं अंडा नहीं यार। अभी 11 बजे तकरीबन ये देती है ना अंडा, ये हमारी जो मुर्गी है ना एक, वो तकरीबन देती है 11 बजे और दूसरी वाली देती है तकरीबन 3-4 बजे के दरमियान से ना, राउंड अबाउट इसी टाइम पे अंडा शंडा देती है। ये देखो भी सुबह के टाइम जैसे इनको खोला ना, सारे पानी शानी पीने, इनको पहले पानी पी लेने दो यहाँ पे। ये देखो ये यार ये है हमारा न्यू मुर्गा माशाल्लाह से, आप इसका कद देख सकते हो फुल बाहर से। ये भी इसका ना नाम आप लोगों ने बताना है कि इसका नाम क्या रखा जाए। लड़वाया भी हुआ है जिधर से हमने लिया ना, उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने कहा कि मुर्गा फुल बाहर से लड़ने वाला है। मतलब ये ना शेरू को देखते ही मैं कहता हूँ ऐसा पागल हो जाता हाथों में यार, ये मचल रहा था बस इसको छोड़ दो मुझे लड़ाओ बस। हेलो देख सकते हो कि इसके ना पर्चे टूटे हुए ना, ये लड़वाया था भाई ने जिसे लेके आए हैं, वो ये पानी शानी सारी पी है। फिर भाई को कहा यार आप लड़वा के दया ना, माशाल्लाह इतना मस्त है ना हाथों में भागे दे माशाल्लाह। अभी कद काट देख रहे हो फुल बाहर से, ओके है माशाल्लाह ये फुल। चलो यार हाँ इनको ना पार्टीशन करके ना इनकी जगह पे छोड़ो, फिर शेरू को भी बाहर निकालते हैं। तो भाई वो देखें सामने रानी और शेरू दोनों फिर रहे हैं अंदर अपना केज में। ये चेक करो ये शेरू को देखो यार सुबह टाइम इसका बस दिल करता है मुझे बस खोल दो, पूरे बाहर भागने की करता है ये। हेलो देख सकते हो माशाल्लाह इसके पाँव ना काफी हद तक ठीक है, ये जो ब्लीडिंग तो इसकी ना रुक गई है। मिट्टी डाल दो केज में तो यानी कि खून निकलना बंद हो जाएगा, तो हमने ना मिट्टी फौरी डाल दी थी जिस वजह से आप लोग देख रहे हो ना इसका अब ये खून निकलना बंद हो गया है। वहां पर सिल्वर सफाइट और बैंटम के साथ मचल रहे हैं, लेकिन यार सर्दी बहुत ज्यादा है, हम उनको ना आज खोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। हाँ सिर्फ इनको फीड वगैरह डाल देनी है यार। बुरान मैंने ना अभी इनको मैं दिखाता हूँ बैंटम और उसका जो है आगे, मैंने इनके फीड बॉक्स जो है यहाँ पे देखो इसका भी मैंने लगा दिया था, इसका ही फीड बॉक्स मैंने ना फिक्स कर दिया है। हाँ यार रानी नहीं भाई आ रही, खैर रानी आ रही यार, इन्होंने देखो यार क्या किया हुआ, अंडा फिर खा रही यार। ये देखना ये अपना देखो अंडा देके फिर से अंडा खा गए यार, अंडा नीचे पड़ा और ये खा रही है अंडा यार, हद है यार। तो यार साइड पे इसकी है यार, गुस्सा आता है यार इन पे, ये ना अपना अंडा देके जो अंडा खा जाते है ना यार, ये अंडे का छिलका उठा लो यार, ये फोन ये देखो यार अंडा खा जाती है यार आप, ये अंडा देते हैं लेकिन अपना अंडा यार ये खा जाते हैं यार। सोल्यूशन बताओ यार आप इसका ना यार, लाजमी बताओ ये हमारा जो भी अंडा आ रहा है ना ये बैंटम तो यार मिनट में अपना अंडा खा जाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इनका। बताओ वरना इन्हें सेल करके कोई और चीज आते हैं ऐसे तो यार, ये अपने सारे अंडे देखो इन्होंने अंडा दिया अंधेरे में अंडा दिया और सारा फोरी खा पी गए अपना ये अंडा इनका यार। तो रानी निकल गई है बाहर, रानी चली गई बाहर माशाल्लाह। चलो जी ये हमारा शेरू और वो रानी वहां पे घूम रही है, देखो पानी शानी पी रही है, यहाँ पे बाजरा गिरा हुआ है तो अभी इनको फीड वगैरह ना डालनी है अभी ना सबको अंदर ही डालते हैं। आ जाओ यार यार ये बैंटम है ना बुरहान यार, ये अपने को बहुत गुस्सा आता है यार इन पे बस यार। अभी देखो हमें कोई इनका फायदा भी नहीं हो रहा है और ये खा भी बहुत ज्यादा रहे हैं, यानी कि ना यार खुराक इनको प्रॉपर है, हर चीज इनको प्रॉपर है, दिन में 3-4 दफा इनको फीड वगैरह दे रहे हैं
लेकिन ना यार बस ये जो एक है इनमें से, ये दरमियान में है ना, ये दरमियान वाली, ये बहुत तेज है यार। ऐसे जैसे अंडा देंगे ना इसने, दोनों में से जो भी अंडा देती है एक सेकंड में भागी जाएगी, जाके अंडा तोड़ देगी, क्योंकि शुरू में नरम होता है तो ये फौरी अंडा खा जाती है अपना। फीड वगैरह डाल देते हैं यार, हम इनके बच्चे निकलवाएं यार, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह से हमारी मुर्गियां अंडे देने लग गई है, वो कुड़क भी होंगे तो उनके नीचे भी रखेंगे, फिर हम कह रहे थे इतने में ये भी अंडे दे रहे, इनके भी अंडे हम साथ ही रख दे, पर पता नहीं ये भी नहीं अंडे दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, अभी हमने इन्हें ये भी देना शुरू कर दिया, वो देखो लड़ने के अब ये। हाँ इनका ये चेक करो यार, मैंने कहा ना कि वो जो मुर्गा जो न्यू लेके आए ना, वो माशाल्लाह बहुत तेज है लड़ने वाला। यार इधर आ जाओ इधर, अभी देखना इस साइड पे ये घूम रहा है और इस साइड में ये, पार्टीशन से एक दूसरे की तरफ लड़ने को तैयार है, इसे काम चेक करो यार। चलो जी जी चलो जाओ 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 जाओ, ये मुर्गियां अपना फिर रही हैं सारा कुछ, ये इनको ये बाजरा यहाँ पे दिखा लूंगा, इनको फुल माशाल्लाह बाजरा शाजरा रख दिया है, अब ये रानी और शेरू दोनों बाजरा खा लेंगे। इधर आ जाओ यार, यार ये इसको आपको पता तो है यार, ये लड़ाका मुर्गा है, इसको लड़वा लड़वा के फिर इसको फुल ट्रेन किया हुआ है यार इसका। यार बस यही है कि इसको किसी मुर्गे के साथ ना बस छोड़ दो, इसका हर दफा यही होता है कि बस वो मुर्गे के साथ छोड़ दिया जाए और ये बस लड़ता रहे। तो यहाँ पर अभी हमारे ना देसी अभी बंद है, जब इनको ये इनको बंद करते हैं ना शेरू वगैरह को, तो फिर उसके बाद देसियों को खोल के उनको भी प्रॉपर फीड शीड करा देंगे। बस यार चलो जी, यहाँ पर अब हमने बैंटम को भी खोल दिया ताकि ये पानी शानी पी ले, क्योंकि पानी इनको नहीं रखा था, खाना वगैरह तो डाल दिया था, और साथ ही साथ ना खाना वगैरह यहाँ पर देसियों को भी खाना खुना खिला दिया है, ताकि ये बच्चे ना खा पी ले। सिलर स्प्राइट को हमने खिला खुला दिया था, कर दिया सारों को, यानी कि ओके हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल जू एट होम को सब्सक्राइब लाजमी करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।